अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद खान मिर्सा। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गेटिंग एडमिशन इनटू बीएलएलबी विद वजी अलवी साहब। वजी अलवी साहब इज करंटली एनरोल्ड इनटू पार्ट टू ऑफ एलएलबी एट पीयू। बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, एलएलबी की फीसिस क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है, फीसिस क्या है, टेस्टिंग कौन किस तरह कंडक्ट करवाते हैं, एंड अदर पर्टिनेंट क्वेरीज व्हिच कम्स टू स्टूडेंट्स माइंड्स व्हेन दे अप्लाई फॉर लॉ डिपार्टमेंट एट पीयू, वो वजी अलवी साहब के साथ ही डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वजी अलवी साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द एडमिशन पार्ट, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बता दीजिएगा कि एलएलबी लॉ स्कूल एट पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और जो लॉ के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपने एक गाइडलाइन सेट की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जी मैंने अपना जो मैट्रिक था वो मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पसरूर से किया। उसके बाद मैंने एफएससी अपनी जो थी वो मैंने सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पसरूर से की, और उसके बाद फिर मैंने लैट में अपीयर हुआ और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरा सिक्योर हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप मेरे ग्राही हैं, मैं खुद नारवाल से हूँ, आप पसरूर से हैं, करीब करीब है। जी जी ये तो बहुत बेहतर, दैट्स रियली गुड टू नो। अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा कि आपने माशाल्लाह अपना इंट्रोडक्शन बता दिया, मुझे बताएं कि क्यों पीयू लॉ को चूज किया फॉर योर एलएलबी डिग्री? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि इट्स अ मदर ऑफ ऑल लॉ कॉलेजेस। पीयू का एक नाम है कि ये इदारा है सबसे ज्यादा आपके पाकिस्तान का बेहतरीन इदारों में इसका शुमार है। तो क्योंकि मेरे वाले साहब इस इंस्टीट्यूशन से पढ़ के गए हैं तो मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात थी कि मैं अभी वहीं वहीं से पढ़ूँ, वहीं से लॉ करूँ। तो पीयू के साथ आप कह लें कि मेरी अफिलिएशन जो थी वो इस वजह से ज़रा ज़्यादा थी, तो कुछ आप कह लें कि अपनी मेहनत भी थोड़ी सी जो की थी हमने वो भी हमें पीयू में ले आई। जी माशाल्लाह, नहीं नहीं थोड़ी नहीं, माशाल्लाह बड़ा मुश्किल होता है, मुझे पता है लॉ में एडमिशन लेना। अच्छा चलें, आपने माशाल्लाह रीजन बता दिया। अच्छा मुझे बताएं, स्टूडेंट्स व्यूअर्स जो देख रहे हैं, ऑब्वियसली एडमिशन आर गोइंग टू बी हैपन, मतलब अगर 15 दिन में नहीं तो 20-25 दिन में कभी ना कभी आर गोइंग टू बी ओपन फॉर स्टूडेंट्स। तो मुझे बताइएगा क्या एप्लीकेशन प्रोसेस इनका है, मतलब आया ऑनलाइन है सारा प्रोसेस, और डेडलाइन तो एज सच मेरे ख्याल में अभी मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन उस बारे में भी इनको बता दें कि कब तक एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए उसके लिए, और ओवरऑल यानी टेस्ट से पहले पहले अगर टेस्ट होता है तो ठीक है, अदरवाइज मेरिट से पहले पहले ओवरऑल क्या प्रोसीजर है स्टूडेंट्स के लिए, इसको जरा गाइड कर दीजिए। जी सबसे पहले तो ये है कि जो इसका आपने जैसे कहा कि इसका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो तो एक सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि वो सारा ऑनलाइन हो चुका है। एप्लीकेशन आपको कोई नहीं देनी पड़ेगी, आपको सिर्फ पीयू के जो उनकी मेन साइट है वहाँ पे जाके सारा फॉर्म फिलिंग जो भी है वो सारा ऑनलाइन सिस्टम होगा, यानी एप्लीकेशन की सूरत में क्यों नहीं। और दूसरा ये है कि पहले ये करते थे आपके डॉक्यूमेंट्स टीसीएस के थ्रू मंगवाते थे, लेकिन अब ये है कि शायद कोविड की वजह से इन्होंने हमारे तो नहीं मंगवाए, लेकिन ये बाज़ इस तरह से करते हैं। और जो स्टूडेंट्स से जो एडमिशन का सिस्टम है वो इसी तरह से है कि ये इंटर के रिजल्ट के फौरन बाद ये अपना एक शेड्यूल पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एक कर देता, लॉन्च कर देता कि जी आप इस तरीके का ले लें। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना आ गया हुआ है इसकी वजह से ज़रा आप समझते हैं कि अभी थोड़ा सा प्रोसेस, अभी इन्होंने कोई ऐसा इतना अभी नहीं किया जिसकी वजह से हम कहें कि जी इसकी लास्ट डेट ये होगी, लेकिन विद इन 15-20 दिन के अंदर माइट पॉसिबल है कि आ जाएं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड टू नो। यानी स्टूडेंट्स को जो है ना फिर भी जो है ना हम ज्यादा नहीं तो 8-5-3-4 दिन बाद रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए ताकि मिस ना कर जाए, करते रहना चाहिए प्रोसेस को, उन्हें इन टच रहना चाहिए प्रोसेस के साथ। अच्छा इसकी वेबसाइट क्या है? एक तो पीयू की अपनी है जर्नल, वो तो हमें पता है, लॉ की स्पेसिफिकली कोई है इनकी डोमेन या लॉ की उसी में है? जी जी नहीं, आपने मेन साइट पे जाना है, वहाँ पे फिर आपको डिपार्टमेंट अपना चूज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपने वहीं पे जाके अपना सारा जो है प्रोसेस करना। ठीक ठीक माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, इसके बाद आपने बताया कि ओवरऑल प्रोसेस टेस्टिंग मेथड आया जो है वो पीयू खुद कंडक्ट करवा रही होती है, या टेस्टिंग मेथड रिक्वायर्ड भी होता है या नहीं होता, क्या है ओवरऑल इस बारे में स्टूडेंट्स की रहनुमाई फरमा दीजिएगा? जी जो इसका टेस्टिंग प्रोसेस है, सबसे पहले बात तो पीयू कोई ऐसा ऐसा नहीं करता कंडक्ट, उसके अलावा ये कि एचईसी आपका टेस्ट लेती है लैट का, एचईसी आपका लैट का टेस्ट लेती है, फिर वहां से फिर आपका जो एग्रीगेट बनता है, यानी आप एचईसी के टेस्ट के थ्रू जो है आप इसमें एडमिशन लेते हैं। पीयूएलसी या पीयू कोई ऐसा ऐसा टेस्ट नहीं लेती अपना, इसका यूनिवर्सिटी का कोई अपना टेस्ट नहीं। ठीक ठीक माशाल्लाह। अच्छा
अच्छा, यानी और मुझे बताएं उसकी क्या वेटेज ये कंसीडर करते हैं, या वेटेज कंसीडर करते हैं या उसी में सिर्फ पास होना ही इंपॉर्टेंट होता है? नहीं उसका फिर ये है कि आपको स्क्योर करने, आपको अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे। वैसे पासिंग मार्क्स जो है इसके वो तो 50 हैं, लेकिन अगर आपने पीयू में आना फिर आपको कंपटीशन में आपको आना पड़ेगा, आपको लैट में स्क्योर मार्क्स करने पड़ेंगे। क्योंकि आप ये देख लें कि जो लैट की है, लैट के जो टेस्ट है वो आपके 30% काउंट करता है आपके मेरिट के अंदर। तो आपको लैट का जो टेस्ट है वो जरूर इसको इसके अंदर मेहनत भी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि इसके यही आपका तयन करेगा कि आपका एडमिशन आया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में होता भी है कि नहीं। जी अच्छा, अब 30% इज अ हेफ्टी मतलब परसेंटेज। इसके अलावा जो एकेडमिक है उसकी क्या क्या है, मतलब FSC को कितना कंसीडर करते हैं और मैट्रिक को कितना कंसीडर करते हैं? इसमें यह है कि आपका जो है ना टोटल जो आपका 70% आपका मैट्रिक और FSC दोनों को कंबाइन करके आपका 70% आपका बनता है एकेडमिक रिकॉर्ड, एकेडमिक जो इसमें परसेंटेज ली ठीक है जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर इसका एक टोटल फॉर्मूला है, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अगर आप अपनी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी सकें तो फिर मैं आपको वो वैसे जी जी शेयर कर दूंगा। जी तो जी वो ये है कि इसका एक प्रोसेस है, उसके अंदर आपका जो 1/4 था आपने मल्टीप्लाई करना है आपको उसके साथ मैट्रिक के नंबर्स का, फिर आपने उसके अंदर FSC की ऐड करनी है, फिर आपने उसको डिवाइड करना है 1375 से, फिर आपने उसके अंदर लैट के जो आपने 30% मार्क्स की परसेंटेज निकाल के ऐड करनी है। तो इस तरह से आपका ठीक, एग्रीगेट सही बनते सही हैं। सही। यानी मैट्रिक 0.25% कंसीडर कर रहे हैं, लैट को 0.3, जी जी और बाकी रह गया जी अंदाजन देखें 70 में से 25 निकाल लिए तो रह गए जो है 45, 45% जो जी है जी वो कंसिडर कर रहे हैं 0.45 × FSC percentage marks। ठीक है, रियली थैंक्स फॉर जी प्रोवाइडिंग द फार्मूला। मैं इंशाल्लाह उनको अपने वीडियो एडिटर को कहूंगा कि इसको एडिट करके इस तरह पेस्ट भी कर दे। जी जी अच्छा, अब आपने मुझे ये बता दिया, अब आते हैं कि लैट जो है ना, चूंकि लैट रिक्वायर्ड है और परसेंटेज भी है, तो अब लैट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बता दीजिएगा कि लैट आया एक ही दफा साल में कंडक्ट हो रहा होता है या मल्टीपल टाइम्स हो रहा होता है, ताकि स्टूडेंट्स जो लॉ में इंटरेस्टेड है अगर वो 3-4 दफा ही दे ले, और कितनी उसकी जो है वो ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी से मुराद है ड्यूरेबिलिटी माइट नॉट बी द राइट वैलिड वर्ड, में समझ। कि कब कब तक वो वैलिड रहता है जो है वो जी जी लैट का टेस्ट? जी HEC जो है इसको साल में 2 दफा कंडक्ट करती है लैट ठीक, को। उसके अलावा ये है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल तक की है। सही है, 2 साल तक ये ठीक है। यानी यानी आप जो जी है जी FSC में कह ले फर्स्ट ईयर में भी हो तो अप्लाई करना शुरू कर दें, जितनी दफा ज्यादा देंगे मतलब चांसेस, ऑब्वियसली इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर PU तो जितना ज्यादा दफा देंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि 30% में ज्यादा मार्क्स ले आके जो है, क्योंकि मेरा जहां। बिल्कुल अच्छा मुझे बताइएगा लैट के मार्क्स कितने होते हैं ओवरऑल? जी, लैट का स्ट्रक्चर मैं आपसे कर देता हूँ। लैट बेसिकली 3 में डिवाइडेड है। इसमें सबसे पहले 75 आपके MCQs आते हैं, उनके अंदर आपका इंग्लिश, उसके बाद जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये टोटल सम अप करके आपके 75 बनते हैं। उसके बाद आपका एक आता है ऐसे जो 15 नंबर का। उसके बाद फिर आपकी आती है एक पर्सनल स्टेटमेंट जिसमें आपने ये लिखना होता है कि मैं वकील क्यों बनना चाहता हूँ। ठीक है तो ये चीजें, ये इसका 100 मार्क्स टोटल ये टेस्ट ठीक है है। ठीक। अच्छा, मैंने करंटली सुना है, मैंने असल में एक दफा लैट में उसामा गिल साहब से ही गुफ्तगू कर रहा था, तो उन्होंने भी पर्सनल स्टेटमेंट का कहा था कि जो है ना, तो मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो पर्सनल स्टेटमेंट अगर आनी ही आनी है तो वो तो बंदा लिख के पहले ही किसी टीचर को चेक करवा ले, लेकिन आई हैव कम टू नो बिल्कुल कि जो है पर्सनल स्टेटमेंट हैज बीन रिप्लेस्ड विद ऐसे। मुझे मुझे खुद नहीं पता, मैंने अभी जाके उसको वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि लेटेस्ट टेस्ट में लैट के उन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट को भी ऐसे के साथ ही जो है वो जोड़ दिया है, जो है ना उसमें भी आपको ऐसे ही लिखना होता है जो है, ऐसा मुझे जी, ये इस तरह से हो जो सकता है। क्यों? क्योंकि जो लैट का जो मैंने पहले टेस्ट दिया था उसमें भी ये स्विच करते रहते हैं, जी। तो ये माइट पॉसिबल है ये बात सही हो। लेकिन मेरे, क्योंकि अभी तक मेरा सच में इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो लेकिन ये है कि मैंने जो अपना फर्स्ट लैड दिया था उसमें इस तरह से था कि उसमें पर्सनल स्टेटमेंट की बजाय मुझे 2 ऐसे दिए गए थे। तो ये मेरा ख्याल से ये स्विच करते रहते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, ये टेस्ट के साथ ही करते रहते हैं इस तरह। ठीक। अच्छा, मैंने मुझे एग्जैक्टली 100% नहीं है इस बारे में, ऑब्वियसली आई एम नॉट द इनविजी ऑन द इनविजिलेटर साइड, लेकिन मैंने सुना है कि कहते हैं रिकमेंडेबल वे टू राइट एसेज इज इन इंग्लिश, मतलब आपको अगर ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारा भी इधर मकसद है कि स्टूडेंट्स का दाखिला उसके, तो जो है रिकमेंडेबल वे जो जी है जी उन्होंने तो क्या आप इस बारे में सेम रखते हैं ख्यालात, या आपके ख्याल में किसी में भी किया जा सकता है?
देखिए, मेरा जो इसके हवाले से ख्याल है वो तो यही है कि आप जिस लैंग्वेज में समझते हैं कि आप इसको इजीली, आप अपने जो ख्यालात हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप एग्जामिनर को कन्वे करना चाहते हैं, आप उसमें लिखें। मैंने, अगर आप मेरी बात करें, तो मैंने तो उर्दू में लिखा और मेरे 77 मार्क्स आए थे, तो मैं समझता हूँ कि नंबरों पर अगर आप इंग्लिश लिखें या उर्दू लिखें तो उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से जिस लैंग्वेज में आप इजी समझे उसमें आपको करना चाहिए। ठीक, माशाल्लाह, गुड टू नो योर व्यूज टू। अच्छा, अब आपने बता दिया क्या नाम है, टेस्टिंग मेथड और ओवरऑल सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट भी। मैं लैट को इंशाल्लाह, हमने मेरी कोशिश है कि लैट को इसके बाद एक डिटेल्ड उसमें भी कर ले। अभी के लिए मैं ओवरऑल जिसे कहते हैं कि पीयू के लॉ के प्रोसेस को कर लेते हैं, जी इसके बाद जी लैट को भी एक जी जी एक दफा डिटेल में कर लेंगे। अच्छा मुझे बताएं, एग्जाम्पल लेके एक स्टूडेंट का जो है ना वो 0.25 और जो बी है मैट्रिक और 0.45 एफएससी और ये मिला के एक मेरिट बन गया, आया इसके अलावा कोई इंटरव्यू भी होता है और उसकी भी कोई वेटेज होती है, या इंटरव्यू एक होता भी नहीं है और उसकी वेटेज भी नहीं, इस बारे में गाइड नहीं, कर दो। इंटरव्यू नहीं होता। जब आपका एग्रीगेट बन जाता है तो फिर जब आप इसकी पीयू की साइट पे जाके अपना एडमिशन वहां पे अप्लाई करते हैं तो फिर वहां पे लगती है मेरिट लिस्ट, यानी आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा। फिर आपने जाके कुछ को, बाज़ औक़ात इस तरह से होता है, फिजिकल अपेयरेंस कर लेते हैं जो बच्चे लास्ट पे होते हैं, फिर जो पहले आता है उसको, उसका स्क्योर किया जाता है। तो इसमें कोई आया इंटरव्यू नहीं होता। इसमें आपको बस जाकर आपने फॉर्म जमा करवाना है। जब आपका वो फॉर्म, कह रहा हूँ, जब आपने कर लेना है इसके सारा एडमिशन प्रोसेस कर लेना है, तो उसके बाद आपने मेरिट लिस्ट में नाम देखना, फिर आपने अपनी फी वाउचर जमा करवाना, फिर आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर हो जाए। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यानी इंटरव्यू प्रोसीजर है सच कोई नहीं है, जस्ट बेस्ड अपॉन द मेरिट जो है वो आपका एडमिशन हो जाता है। अच्छा नहीं, बेस्ड मुझे अपॉन मुझे मैरिट। बताएं, स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे कि जो है, देखें एक तो है एग्रीगेट इंप्रूव करने के लिए आया, एफएससी रिपीट कर लेनी चाहिए, लॉ को लॉ के टेस्ट को रिपीट कर लेना चाहिए, या जो भी आपके ख्याल आते हैं इसके बारे में। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी जी एडमिशन लैसा होंगे ना, तो उसके लिए क्या क्या जी एडवाइस देंगे? जी उसके लिए यही है कि आप, अगर आपके एफएससी में या एफए में मार्क्स कम हैं तो आपको फिर चाहिए कि आप, अगर तो वो बहुत ज्यादा कम है तो फिर आपको इम्प्रूव के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली ज्यादा फोकस आपको लैट पे करना चाहिए, क्योंकि लैट का एक नंबर जो, 3 नंबर जो है वो आपका 1% बढ़ाते जी हैं। जी एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली बेसिकली चीज़ है, यही है कि अगर आप लैट में ज्यादा मार्क्स स्क्योर करेंगे तो आपका एग्रीगेट ज्यादा बनने के चांसेस हैं, बजाय इसके अगर आप रिपीट करते हैं तो उस तरह से। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लैट की तरफ ज्यादा इसके तवज्जो दें, क्योंकि यही आपकी जो मेरिट को आप ऊपर करेगी। और उसके लिए आप मल्टीपल टाइम्स भी दे सकते हैं, ऑनलाइन साइट्स भी देखें और लैट के टेस्ट को क्रैक करने की कोशिश करें ताकि आप मेक जी श्योर जी कर अब सकें तो जो है ना। आप जी जी सोशल मीडिया पे जाएं, वहां पे बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं, उसके अलावा डोगर्स की बुक हैं, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, माशाल्लाह, दैट्स गुड टू नो। अच्छा मुझे बताइएगा कि लास्ट स्कूल है जो अपने आप यूनिवर्सिटी का, वो इस टाइम कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रहा है एलएलबी के अलावा? जी, LLB के अलावा वो डिप्लोमाज कर रहा है, जिसमें आपका टैक्सेशन का, उसके अलावा LLM को कर रहा है, और इस तरह से जो रिलेटेड टू लॉ है, कंपनी लॉ, इस तरह काफी ज्यादा जो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज है वो ऑफर कर रहा है इस तरह के प्रोग्राम्स। मतलब मुझे नहीं था पता, मुझे था कि LLB शायद LLM है, यानी इसके अलावा कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी हैं और वो वकीलों को जी ही, जी यानी कि जो लायर तबका है उन्हीं को जो है वो आप अलाउ होता है, या कोई भी स्टूडेंट्स फ्रॉम मतलब एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है ही नहीं, कुड जब गो फॉर? देख, नहीं, ये देखिए ना, जब आपने कंपनी लॉ की तरफ आना है तो आपका वकालत तो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जी आप ठीक लॉ को पढ़ के आए हैं। तो ये है आप समझ नहीं कि लॉ ग्रेजुएट से आगे LLM में जा सकते हैं, कंपनी लॉ में, टैक्सेशन में, इस तरह से वही कर सकते ठीक हैं ये ठीक चीजें। ठीक 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 गॉट द आइडिया, गॉट द आइडिया। और वैसे भी वैलिड भी यही बनता है, लेकिन चूंके वो आपने डिप्लोमा कहा था तो दैट रिंग्स मी वेल के शायद जो है कुछ हो उस उसके रिगार्डिंग। जी, ये लॉ रिलेटेड, लॉ के मुतल्लिक जो है डिप्लोमाज हैं वो हैं। ठीक, अच्छा आपने, ठीक है माशाल्लाह। अच्छा डिप्लोमास को जरा ओवरऑल वैल्यू, ताकि कोई स्टूडेंट अगर लॉ में से डिप्लोमा, ताकि उनको भी पता चल जाएगा, अगर आप सारे नाम ले सकें कौन कौन से अगर आपको याद हो। देखें, मैं जो, मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने किए हैं, उनमें से एक कंपनी ला है, एक टैक्सेशन का है, उसके अलावा ये LLM तो आप कह लेंगे 1-2 साल के, वैसे जी ये जी वो जी डिग्री लॉ है, के बाद ये डिग्री है। मास्टर्स तो इन ये है लॉ। कि जी जी जी, ये इसी तरह से, और ये मैंने जो अभी तक दो सुने हैं, मुझे वैसे इनके इससे ज्यादा इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो उसमें यह कंपनी ला
और टैक्सेशन का ये करवाते हैं वहां। ठीक है, एंड टैक्सेशन तो आम बंदे के माइंड में आता है टैक्स से रिलेटेड, और कंपनी लॉ में जी टैक्स से कंपनीज रिलेटेड, जो ये ओवरऑल कमर्शियल सेक्टर में हमारा चलता है उस बारे में बताते जी हैं। जी वो जो हायर करते हैं वो कंपनी लॉज को देखते हैं ये सारे लोग। ठीक ठीक माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स रियली हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। अच्छा आपने ठीक है डिग्रीज के बारे में बता दिया, मुझे बताएं पीयू लॉ जो है वो स्कूल जो है वो किस डिग्री में सबसे ज्यादा प्राउड है, LLM के बारे में, LLB के बारे में, किस डिग्री को वो कहता है कि दिस इज द बेस्ट डिग्री वी आर ऑफरिंग एट ऑल पाकिस्तान। सर पीयू लॉ कॉलेज जो अपनी जो बेसिक उसकी लॉ की ग्रेजुएशन है ना उसी पे वो प्राउड करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम और शख्सियात जो है वो यहाँ से पढ़ के गई हैं। तो ये तो बात की एक बात में आ जाती है ना, आप आला तालीम के लिए इतना आगे आप जाना चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन ये है कि पीयू जो प्राउड करता है वो अपने लॉ स्कूल पे ही करता है। जी, ठीक माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड टू नो। अच्छा आपने उस बारे में बता दीजिएगा। अच्छा मुझे बता दें कि यूनिवर्सिटी फीस वंस मतलब एक स्टूडेंट का कहते हैं लैड भी अच्छा हो गया, वो भी ही कम्स ऑन द मेरिट, अब उसको यूनिवर्सिटी फीस क्या है, पर सेमेस्टर क्या है, और उसके बाद आने वाले सेमेस्टर्स में क्या है? नहीं इसमें पार्ट सेमेस्टर नहीं है, एनुअल फी होती है इसमें। अगर आपका एडमिशन जो है वो मॉर्निंग में हुआ है, यानी जी आप एक यहाँ पे दो बेसिकली इसको कैटेगराइज किया गया मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो जो मॉर्निंग की फीस है वो मेरा ख्याल है तकरीबन 22,000 समथिंग बनती है, और जो इवनिंग की है वो जो सेल्फ सपोर्टिंग आ जाते हैं इसमें उनकी 48,000 के राउंड अबाउट बनती है। ठीक है सही है सही, विच इज रीजनेबल माशाल्लाह। मतलब मैं अभी तक विच मैंने इज जिस भी यस इंटरव्यू किया है मैं जिस जिस यूनिवर्सिटी को मोस्ट रीजनेबल पाया, एक इनकी जो है मुझे बड़ा हैरान किया था। और कौन सी डिग्री थी वैसे, IIUI श्रीया ला भी जो है ना वो भी इतने 25 से 30 हजार रुपए जो है ना जी वो जी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन IIUI अदरवाइज महंगी है। मतलब जो है ना श्रीया एंड जी ला जी में शायद दोनों श्री राइट कर रही हैं, मुझे प्रिया नहीं पता किस वजह से, लेकिन ये शायद वो उनकी कोर आए हैं जो भी है। लेकिन ये है कि पीयू से ज्यादा मैंने अफोर्डेबल फीसेस जो है ना अभी तक नहीं देखी। इवन कायदाजम यूनिवर्सिटी हैज गॉन वे वे टू मच अपवर्ड। मतलब जो जी लास्ट इसी टाइम अभी काम मैंने 2 दिन पहले ही, एक दिन पहले ही, एक हमजा मलिक साहब है LLB कर रहे, वो उन्होंने बताया कि वो 35 दे रहे थे और 51 पे ले गए हैं। सो 16,000 जो है ना पर मंथ, सो एक किस्म का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही बनती जा रही है। बट पीयू हैज जी इसी सस्टेन्ड काम इट्स जैसे जैसे कहते हैं ना या करेज के जो है ना स्टूडेंट्स को काफी बिल्कुल अफोर्डेबल। लेकिन फिर भी लेट्स फेस द फैक्ट के फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके लिए जो है ये फीसेस भी जो है वो पे करना मुश्किल होता है, उनके लिए क्या जो है वो फायदेमंद, क्या मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ताकि स्टूडेंट्स जो है ना वो अवेल कर सके और अपनी स्टडी को मेंटेन कर सके। देखिए, अगर एक स्टूडेंट जो है वो इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वहाँ पे जो स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं जिनमें आप HEC की तरफ से भी आपको स्कॉलरशिप मिलती हैं। उसके अलावा अगर आप लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल से अगर आप इस चीज़ की करें तो यानी इसमें और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इसमें जो स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं, ये साल में कई दफ़ा स्कॉलरशिप्स की आती रहती हैं, वो आपको इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। फिर ये है कि फिर वहाँ पे जाके आपका एक इंटरव्यू होगा, फिर आप अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो फीसेज हैं वो फिर कम कर दी जाती हैं या फिर आपको टोटली आपका ख़त्म कर ठीक दें। है, और आपने मतलब इस तरह की एग्जांपल देखी है दैट डिजर्विंग स्टूडेंट्स गेट देयर फेयर राइट, मतलब के जिसको वाकई मुश्किल होती है उनको मिल जाते हैं? जी, जो डिजर्विंग है उसको जरूर मिलता है, ये तो बात है, क्योंकि हमने अपनी देखा हुआ है, हमने लॉ कॉलेज में काफी बच्चे इस तरह के जो सफेद पोश लोग हैं जो इतना शो नहीं करते, लेकिन वो लेकिन ये है कि मिलता है, डिजर्विंग जो होगा उसको लाजमी मिलेगी स्कॉलरशिप, ठीक इसमें कोई माशा डाउट नहीं है। माशाल्लाह, दैट्स गुड टू नो दैट्स। बल्कि एक स्टूडेंट का इनसे पहले मुझे याद है, मैं यूजली अब देखे ना मुझे जो है VGLV साहब ने जो राय दी मैं उसके मुताबिक ही बता सकता हूँ। तो एक स्टूडेंट कह रहे थे कि जो है ना कॉमसेट्स में, कॉमसेट्स तो है भी प्राइवेट, तो वो कह रहे थे कि जो है ना उसकी जी जी फीसेस बहुत ज्यादा है। तो वो लड़का कह रहा था कि जो है ना मतलब आप स्कॉलरशिप अवेल वगैरह कर सकते हैं, तो कह रहे थे नहीं सर ऐसे नहीं होता है ये बातें बड़े। मैंने कहा यार देखो वो जो इंटरव्यू भी है ना वो उसने अपनी आइडियाज शेयर किए, मैंने उस पे वो नहीं कहा है कि जो है ना। तो अब VGLV साहब अगर कह रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसे है तो ऐसे होता होगा, अब somehow अगर उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है तो मैं नहीं आप ये उसको देखें, नहीं आप मैं आपसे बात वो करूंगा जो मैंने देखी है, माइट कह सकता। पॉसिबल है हाँ जी हाँ जी किसी हाँ जी हाँ को जी ना मिली हुई है किसी मैं वजह वही से वही वो वही वही रिजेक्ट कह रहा हो ना, गई। तो वो मैं वही उन्हें यही एग्जाम्पल दी। मैंने कहा वो जो इंटरव्यू दे रहा होता उसने अपने हिसाब से आपको एग्जाम्पल दे दिया,
हो सकता है इस तरह वो ना हुआ हो, कोई एक एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, कई बार हो जाता है, तो ये नहीं है जी कि जी आप अच्छी वो जो है तरह। ना उसको कर दें। अच्छा मुझे बताइएगा हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है? एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल मुझे पता याद है, जब हम इवन लाहौर में भी थे ना, तो मुझे पता था कि जो है ना कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की तो एक तो यानी कि फीस वगैरह से रिलेटेड जो है वो वैसे ही बड़ा मशहूर था कि मतलब एक बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं, जो आप लाहौर आ रहे होते हैं तो आपको पता है यार कि एक अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है। तो क्या फैसिलिटी और क्या फीस है चल रही है उसकी? जी, जो हॉस्टल के ड्यूज़ हैं उनके हवाले से तो यही है कि ये राउंड अबाउट आपके जिस टाइम हम वहाँ पे गए थे तब तो 22 थे, तो जी अभी का मुझे पता नहीं कि शायद, लेकिन फैसिलिटीज़ की अगर आप उस हवाले से बात करें तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपको वहाँ पे हर तरह की ज़रूरत मिल जाती है, मुहैया होती है, यानी एक जो बेसिक नीड आपकी है वो वहाँ पे पूरी हो जाती है। और उसके अलावा ये है कि आपको वहाँ पे एक अच्छा म्यारी सस्ता खाना भी मिल जाता है। ठीक है आप एक स्टूडेंट के लिए, अगर आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मेरे ख्याल से जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं वो आपको वहां पे मिल जाती हैं इजीली। ठीक माशाल्लाह। और 22,000 इंक्लूड्स ओनली रेजिडेंशियल चार्जेस या इसमें फूड के भी चार्जेस आते हैं? नहीं, इसमें आपका जो ये सिर्फ रेजिडेंशियल चार्जेस हैं, अगर ठीक है आपने फूड करना, अगर आपने मेस लगवाया तो फिर वो आपको मंथली उसका पे करना पड़ेगा। वो भी मेरा ख्याल से एक आम हैंडसम अमाउंट ही है, अगर आपका दो तीन इस तरह से आपका बनता, अगर वो बने ठीक है। भी। तो जी एलवी साहब जो हॉस्टल है वो फर्स्ट डे में आपको अलॉट हो जाते हैं या मतलब वेट करना पड़ता है आपको उसके लिए? जैसे आप पसरूर नहीं से हैं, मैं हॉस्ट, मतलब जी दूर जी दराज शहरों से हैं, हम नारोवाल से हैं, इतने नहीं है मतलब लाहौर की निस्बत, लाहौर के हम करीबी हैं, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली इफ यू मूव्ड आउट ऑफ द सिटी यू हैव टू एडजस्ट इन समवेयर। तो क्या फैसिलिटी मतलब ईस्टनेस से मिल गया था आपको? जी इजीनेस इसमें आ जाती है वहाँ पे। लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आप ये अगर आप अज्यूम करके नहीं, आपको पहले दिन ही आपने जाके हॉस्टल में बैठ जाना, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसमें आपको वहाँ पे चलान अपने जमा करवाने पड़ेंगे, फिर वो आपको कमरा इस तरह से फिर वो अलाट होगा जो भी। तो इसमें यही है कि जब हम गए थे वहाँ पे, तो जब हमने अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें यही था कि बाद में फिर जो दोस्त अंदर आ गए तो कईयों के पास स्टे कर लेते हैं कहीं के पास, लेकिन यह कि जल्दी आपको आपकी क्लासेस कंडक्ट होने, मेरा ख्याल से 5-6 दिन लग जाते हैं फिर आपका कमरा, या इससे भी जल्दी मैंने कईयों का देखा हो जाता है। ठीक माशाल्लाह माशाल्लाह दैट्स गुड टू नो। ठीक है अच्छा मुझे एनी फाइनल एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स जो पीयू लॉ में आना चाह रहे हैं क्या आप माशाल्लाह सीनियर हो गए हैं, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी ड्यूरिंग योर स्टे, तो आप क्या एडवाइस उनको करना चाह रहे हैं? जी, मैं तो उन्हें यही कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लैड को हलवा ना समझें, ठीक ठीक है है। फेलियर कॉज है इसका जो, वो यही है, लोग समझते हैं कि ये जी एक मरूजी टाइप पेपर, आपने इसमें टिक लगाना, तुक्का लगाएंगे, जो परसेप्शन हमारे माशरे में बनी हुई है कि आपने बस एक टिक लगाना आपको नंबर मिल जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। तो जो अगर आपने PULC में आना है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये कोई इतनी ज्यादा आपको पढ़ना नहीं, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने जो आप टच रहे हैं, अपने जनरल नॉलेज से रहे हैं टच, ताकि आप कल को जब आप टेस्ट में अपियर हों तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो मेरी एडवाइज़ ये होगी कि इसको आप ज़रा सिंसियर हो के और ज़रा संजीदा हो के इसको आपने। रियली थैंक्स फॉर सच वैल्यूएबल फीडबैक एंड ग्रेट सजेशंस ओवरऑल वजी अलवी साहब। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस इनटू PULC क्लियर हो गई होंगी, इसके अलावा आपकी कोई फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वजी अलवी साहब तक पहुंच सके। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियो मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हुआ मिर्ज़ा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।